that is cartilage. Second part of skeletal tissue, that is cartilage. Cartilage is also known as vessel. Cartilage is also known as vessel. If we compare cartilage with a bone, it is soft, but it doesn't mean it is a soft connective tissue, but it is soft skeletal tissue. It is soft skeletal tissue. Cartilage is soft skeletal tissue. Bone ke comparison mein soft hai, but it is not soft as compared to other tissues. It has to provide a framework along with the bone. जैसे बोन का मेन काम है सपोर्ट करना, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, वही काम कार्टिलेज भी करता है, बट इट इज नॉट रिजिड. तो मेनली जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ह्यूमन बींग्स की मैं बात करूं, मैमल्स की बात करूं, तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वहां पे ये ज्यादा अमाउंट में मिलता है, बिकॉज जो बोन फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स है, जो स्केलेटल सिस्टम की स्ट्रक्चर से, वो बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद ज्यादा डेवलप होती है, ज्यादा बनती है. सो ये वहां पे ज्यादा अबंडेंट होता है, बट एडल्ट्स में भी मिलता है, ऐसा नहीं है. इट इज ऑल्सो फाउंड इन एडल्ट्स. सो कार्टिलेज इज ऑफ थ्री टाइप्स मेनली, हाइलिन कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज and fibrous cartilage. It is of three types: hyaline cartilage, fibrous cartilage and calcified cartilage. Three types of cartilages are commonly formed. If we just discuss the general structure of cartilage, some hyaline cartilage se agar hum start kare, हाइलिन कार्टिलेज की स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें, तो सबसे पहले जो बात आती है, दैट इज सेल्स. व्हिच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन कार्टिलेज. बोन के केस में वर्ड था ओस्टियो, यहां पे वर्ड हो जाएगा कोंड्रो. सो कोंड्रोसाइट्स, कोंड्रोब्लास्ट. Chondro is for cartilage. So cartilage cells space में present होती है. The fluid material है, fluid matrix है, वहां पे present होती है, which is known as lacuna. So chondrocytes are present in fluid called lacuna. But ऑस्टियोब्लास्ट के केस में क्या था कि एक लैक्यूना में एक ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट था, बट यहाँ पे एक लैक्यूना में चार कोंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. वन लैक्यूना कंटेन्स फोर कोंड्रोसाइट्स. एंड दे आर स्मॉलर एंड मेनली प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरिफेरी. लैक्यूना में जो कोंड्रोब्लास्ट है वो स्मॉल होती है एंड दे आर मोर टुवर्ड्स पेरिफेरी एज कंपेयर टू ऑस्टियोब्लास्ट. कोंड्रोब्लास्ट का नंबर इसका मतलब ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑस्टियोब्लास्ट. अब जब ये स्मॉल होती है तो इनमें फाइन प्रोजेक्शन होते हैं, फिलियोपोडिया की तरह के प्रोजेक्शन होते हैं. और इनको एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रियो प्रोड्यूसिंग सेल्स भी कहा जाता है. देयर आल्सो नोन एज एम्ब्रियो प्रोड्यूसिंग सेल्स. अगर इन दोनों टाइप की सेल्स की बात करें, कोंड्रोसाइट्स में और कोंड्रोब्लास्ट में, तो
podocytes are less active. Chondroblasts are metabolically active cells. Chondroblasts are metabolically active cells. वो ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, ज्यादा एक्टिव. इसके बाद इसमें आता है मैट्रिक्स. सेल्स के बाद दूसरा जो पार्ट आता है दैट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स होता कार्टिलेज. इसमें अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं, सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, या वो कोंड्रोम्युकोइड. इट कंसिस्ट ऑफ कोंड्रोम्युकोइड मीन म्यूकस लाइक. म्यूकोइड मीन म्यूकस लाइक प्रोटीओग्लाइकेंस. प्रोटीओग्लाइकेंस कोंड्रोलिन सल्फेट जैसे वहां पे मिनरल्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे भी वही कंपोजिशन होती है. सब्सटेंसेस आर डिफरेंट एंड कोंड्रोलिन प्रोटीन एल्ब्यूमिनोइड एंड कोंड्रोलिन प्रोटीन. कोंड्रोलिन प्रोटीन इज नोन एज एल्ब्यूमिनोइड. एल्ब्यूमिनोइड सो दीस सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ द क्राइटेरियस. No blood supply is present here. वहाँ पे जैसे arteries थी, veins थी, nerves थी, there is no blood supply there. No vascular or avascular. No blood supply. Blood is not present because arteries or veins are not found there. There is no blood supply. आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज या मैट्रिक्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है दैट इज नोन एज पेरिकोंड्रियम. दिस इज मैट्रिक्स. सो दिस इज पेरिकोंड्रियम. आउटर कवरिंग इज नोन एज पेरिकोंड्रियम. वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर सेपरेटली. जस्ट राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू आउटर कवरिंग इज नोन एज पेरिकोंड्रियम. Pericondrium contain blood vessels. In pericondrium, blood vessels are present, blood supply is present, but not in the matrix. So, chondrocytes को जो nutrition मिलेगा, जो oxygen supply मिलेगी, वो diffusion के through यहाँ से pericondrium से मिलेगा. Chondrocytes get nutrients and oxygen supply from दोनों तरफ ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोब्लास्ट थी, दोनों तरफ चार्जेस फाइबर प्रेजेंट थे. जो मैट्रिक्स है उसमें कुछ कैनाल्स प्रेजेंट होती है, जिनको कार्टिलेज कैनाल कहते हैं. उसके थ्रू ब्लड वेसल एंटर कर सकते हैं. यहाँ पे कार्टिलेज कैनाल्स होती है and to cartilage canal blood vessels may enter into the cartilage. Blood vessels may enter. Normally हमने discuss किया अभी ये no vascular part है, avascular part है, but यहाँ पे वो blood हो सकती है, enter कर सकती है cartilage canals. इसके अलावा अगर इस किसी कार्टिलेज को बॉइल किया जाए, कार्टिलेज को अगर हॉट वाटर में बॉइल किया जाए, तो वहां से जो केमिकल मिलेगा जिलेटिनस, जो बैक्टीरियल मिलेगा,
अगर हम कार्टिलेज को बॉइल करेंगे, जैसे हमने बोन के केस में किया था उसको एक्सियल या निकाला या उसको डिसोल्व किया था तो क्या मिला था, सेम चीज अगर कार्टिलेज को हम बॉइलिंग वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वहां से जो जेलेटिनस सब्सटेंस मिलता है दैट इज नोन एज कोलेजन। और जो ग्लूको प्रोटीन है उसका स्पेसिफिक नेम है एग्लेक्टिन। जो कोर प्रोटीन है यहाँ पे कार्टिलेज का दैट इज कॉल्ड एग्लेक्टिन। कोर प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज इज एग्लेक्टिन। एग्लेक्टिन आप कह सकते हैं एग्लेक्टिन। सो दिस इज composition of matrix of a cartilage. ये cells हैं, outermost जो covering है, जो ऊपर की जो covering है उसको हम perichondrium कहते हैं। उसमें दो type की cells हैं, chondrocytes और chondroblasts. Chondroblasts are more active. Embryonic life में ज्यादा डेवलप होता है कार्टिलेज, जो स्केलेटल सिस्टम की जो बोन्स की सेल्स है वो बाद में धीरे धीरे डेवलप होती है। बट इट इज ऑल्सो प्रोमिनेंट अडल्ट वर्टेब्रेट्स। कोंड्रोसाइट्स एक फ्लूइड में प्रेजेंट होती है, स्पेस में प्रेजेंट होती है, जिसको लैमिना कहते हैं। नॉर्मली एक लैमिना में दो से चार, जनरल रूल इज फोर, फोर कोंड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। सो मैट्रिक्स है, इट इज कोंड्रोग्लियोइड ल्यूकोसाइट, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो जो पेरिकोंड्रियम है जो आउटर कवरिंग है मैट्रिक्स की, वहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो वहां से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं कोंड्रोसाइट्स और कोंड्रोब्लास्ट को। तीन तरह का कार्टिलेज होता है, हाइली फाइब्रस एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज। नाउ वी डिस्कस all these three type of cartilages one by one. There are three types of cartilages, hyaline, fibrous and calcified. So one by one we will discuss all these three types. And we will start with hyaline cartilage. First one is hyaline cartilage. Hyaline cartilage. No fibers. इसमें fibers नहीं होते. It has no fiber. Hyaline cartilage की speciality भी यही होती है. It is without fibers. या इतना थिन होता है कि जो कोलेजन फाइबर जो स्प्रेडेड है इसके मैट्रिक्स में वो फाइबर्स के फॉर्म में अपीयर नहीं होते। सो ऐसा लगता है कि यहाँ पे फाइबर्स ही नहीं है, नो फाइबर्स आर प्रेजेंट। तो इसकी वजह से इसका ग्लासी अपीयरेंस होता है, ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस होता है, ग्लासी अपीयरेंस। इट शोज और इट गिव्स glassy transparent appearance. अगर डायग्रामेटिकली हम देखें तो ऊपर की साइड में जो अपर पार्ट है वो क्या होता है, पेरी
कोंड्रियम राइट, ऊपर की कवरिंग जो होती है उसको क्या कहते हैं, पेरिकोंड्रियम। यहाँ पे न्यूक्लियेटेड सेल्स हैं दैट रिप्रेजेंट्स पेरिकोंड्रियम। जो बीच का पार्ट है, जो मिडिल एरिया है, इट रिप्रेजेंट्स, या नीचे तक का पार्ट है, क्योंकि इसमें नीचे की लेयर नहीं है, दैट रिप्रेजेंट्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। और मैंने आपको बताया था कि जो स्पेसिस होते हैं यहाँ पर लैमेला और एक लैमेला में चार सेल तक प्रेजेंट हो सकती हैं, टू टू फोर कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। लैमेला टू टू फोर कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट एंड ऑल दिस एरिया इज नोन एज मैट्रिक्स। यहाँ पे लाइक में दो सेल्स हो सकती है, एक चार हो सकती है, all the chondrocytes. So this is structure, the diagram of hybrid cartilages. Large amount of translucent elastic matrix hai iska, elastic matrix ho jata hai iska, glassy appearance hai kyunki jo collagen fibers hai wo bundles ki form mein present nahi hai, distributed hai evenly, distributed hai. और ये वो कार्टिलेज है जो लॉन्ग बोन्स के एंड पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन एंड ऑफ लॉन्ग बोन, जैसे हमारी फीमर हो गई, जो हमारी सॉरी हिमरस हो गई, फीमर हो गई, प्रेजेंट ऑन एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, और वहां पे उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, दैट इज नोन एज आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये हमारी लॉन्ग बोन है, उसका जो स्पंजी पार्ट है वहां पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसको ओरिकुलर आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। या जो रिब्स का स्टर्नम पार्ट है, रिब्स का स्टर्नम जो पार्ट है वहां पे भी प्रेजेंट होता है, वहां पे भी हाइलिंग कार्टिलेज प्रेजेंट होता है एंड देयर इज नोन एज कोस्टल कार्टिलेज, वहां पे उसको कोस्टल कार्टिलेज कहा जाता है। अगर लॉन्ग बोन्स के एंड पे प्रेजेंट है तो आर्टिकुलर कार्टिलेज, और उसके स्टर्नम पार्ट पे प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज कोस्टल कार्टिलेज। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन जो है इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। क्योंकि ये स्मूथ होता है, मूवमेंट में भी हेल्प करने के लिए, इट हेल्प्स इन मूवमेंट, फ्रिक्शन रिड्यूस करना चाहता है इसलिए मोमेंट में हेल्प करेगा। इसके अलावा सपोर्ट, जो सी शेप्ड कार्टिलेज ना स्लिंग्स होती है कहां पे, हमारे विंड पाइप में, ट्रेकिया में, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वहां पे भी हाइलिंग कार्टिलेज होता है एंड इट आल्सो हेल्प इन ग्रोथ। जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है बोन की, जो बोन की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है नेक रीजन में, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ इन नेक रीजन आल्सो अकर्स ड्यू टू दिस हाइलिंग कार्टिलेज। नेक रीजन हमारी बॉडी का नहीं, नेक रीजन ऑफ लॉन्ग बोन्स, नेक रीजन ऑफ लॉन्ग बोन्स ऑल्सो अकर्स इन दिस हाइलिंग कार्टिलेज। तो हाइलिंग कार्टिलेज होमोजेनस है, वाइट है, ग्लासी अपीयरेंस है, इलास्टिक मैट्रिक्स है, फाइबर्स नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि फाइबर्स नहीं है, मतलब ये है कि वो ग्रुप में नहीं प्रेजेंट है,
थिक नहीं होते, इवनली स्प्रेड होते हैं, तो ट्रांसपेरेंट ग्लासी अपीयरेंस हो जाती है उनकी। इलास्टिक है और अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है, अगर लॉन्ग बोन से या हेड से अगर पार्टिकुलर कहेंगे और रिब्स के स्टर्नल पार्ट में है तो उसको कोस्टल कार्टिलेज कर दिया जाता है। फंक्शंस मैंने आपको बताए थे। उसके बाद जो इलास्टो ब्रांचेस है, जो कार्टिलेजनस स्पीशीज है और जो बोनी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में भी प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट होगा, और जो कार्टिलेजनस स्पीशीज है जिनको इलास्टोब्रांकी भी कहते हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है। इलास्टोब्रांकी और कार्टिलेजनस स्पीशीज की बॉडी में ये प्रेजेंट होता है। तो सेकंड टाइप ऑफ कार्टिलेज इज फाइब्रस कार्टिलेज, जिसको हम फाइब्रोकार्टिलेज भी कह सकते हैं। पहला हमने हाइलिंग लिखा था, दूसरा फाइब्रस लिखा था, तो सेकंड वन इज फाइब्रस कार्टिलेज। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो विल डिस्कस अगेन, बट सेकंडली वी विल डिस्कस फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रो मींस द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ फाइबर्स इज हाई एज कंपेयर टू फाइलिंग कार्टिलेज, इसीलिए उसको नाम भी दिया गया है फाइब्रस या फाइब्रोकार्टिलेज। फाइबर्स का अमाउंट कम होगा तो इसकी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, ग्लासी अपीयरेंस नहीं होती इनकी। सो सेकंड वन आया फाइब्रस कार्टिलेज, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है। सेकंड वन इज फाइब्रस कार्टिलेज, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज फाउंड इन द बॉडी, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। Why? It is supported by white collagen fibers. White collagen fibers present होते हैं इसमें। White collagen fibers provide strength to the fibrocartilage. जो joints का articulation है, joints का जो movement है वहां पे होता है, इस पेरिकोर्डियल इज एब्सेंट इन फाइब्रोकार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज पेरिकोर्डियम इज एब्सेंट। अब कौन से टाइप के फाइबर्स हैं इसके बेसिस पे इसको अलग अलग नाम दे दिया गया है या इसके अलग अलग टाइप कर दिए गए हैं कि व्हाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स, white fibrous cartilage and yellow fibrous cartilage, white fibrous and yellow fibrous, white fibrous matrix form hoga aur isme white fibers ka number zyada hoga, isi se baat hai more white fibers, more collagen fibers, more white or collagen fibers are present in this case. Cushioning का काम करता है, support का काम करता है, friction reduce करने में help करता है। Cushioning तो ऐसे ही यहाँ जो delicate part है हमारी body के वहां पे normally present होता है। जो पेल्विक रिडल है, जो हिप जॉइंट है, वहां पे दो बोन्स होते हैं क्यूबिक सिंफाइसिस, वहां पे प्रेजेंट होता है ऑन क्यूबिक सिंफाइसिस। क्यूबिक सिंफाइसिस एरिया है पेल्विक रिडल का, जहां पे दो पीपी बोन्स प्रेजेंट होती है उस एरिया में प्रेजेंट होता है क्यूबिक सिंफाइसिस में होता है। उसके अलावा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वहां पे प्रेजेंट होता है। क्यूबिक सिंफाइसिस में क्या होता है, मैंने बताया स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है तो जब पार्चुलेशन पार्चुलेशन होता है, जब चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पे ये हेल्पफुल होता है, लेबर पेन के टाइम पे ये हेल्पफुल होता है। फाइब्रस कार्टिलेज का जो डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, तो
फर्स्ट केस में तो फाइबर्स हमने शो नहीं किए थे, फाइबर्स एब्सेंट थे या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, बट इन दिस केस कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंटिंग, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंटिंग, दीज आर कोलेजन फाइबर्स। उसके बाद यहाँ पे पेरिकोंड्रियम एब्सेंट है, पेरिकोंड्रियम है नहीं यहाँ पे, तो पूरा का पूरा एरिया हो गया मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होती है, मैट्रिक्स में कार्टिलेज सेल्स हैं, मतलब कोंड्रोसाइट्स हैं, सो मैट्रिक्स में कोंड्रोसाइट्स। सो दिस मैट्रिक्स है 2 to 4 कोंड्रोसाइट्स, राइट। सो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज इसीलिए कहा जाता है इसको, येलो इलास्टिक फाइब्रस कार्टिलेज। दूसरा टाइप का क्या हो गया, येलो इलास्टिक फाइब्रस कार्टिलेज, इसमें क्योंकि फाइबर्स का नंबर ज्यादा है तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, येलो फाइबर्स का नंबर ज्यादा है तो इट्स मोर फ्लेक्सिबल, मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। तो ये हमारे जो सॉफ्ट पार्ट है, नो स्टिक हो गई, ईयर पिन्ना हो गया, यहाँ पे मिलता है, इट इज फाउंड इन नो स्टिक, ईयर पिन्ना, जो हमारे डेलिकेट पार्ट है, बहुत सॉफ्ट पार्ट है, वहां पे नॉर्मली मिलता है। एपिग्लोटिस जो फ्लैप लाइक कवरिंग होती है, एपिग्लोटिस में भी ये प्रेजेंट होता है। So these are the common areas where this type of tissue is commonly found. यहाँ पे कोंड्रोप्लास्ट और कोंड्रोवाइट फाइबर्स को इसी का अच्छी तरह का अरेंजमेंट होगा, कोई यूनिक चीज नहीं। थर्ड टाइप ऑफ कार्टिलेज इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज, थर्ड वन इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो पहला हमने पढ़ा हाइडिंग कार्टिलेज, दूसरा हो गया हमारा फाइब्रोसाइट कार्टिलेज। नाम से आपको आइडिया आ जाएगा कैल्सी, कैल्शियम। थर्ड वन इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज। सो कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे मैट्रिक्स में, इट हैज कैल्शियम कार्बोनेट ग्रैन्यूल्स इन मैट्रिक्स, तो इसलिए इसको कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहा जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ग्रैन्यूल्स इन द मैट्रिक्स इट इज नोन एज कैल्सिफाइड कार्टिलेज। सो कैल्शियम की कैल्शियम कार्बोनेट अभी हार्ड हो गया एंड इट इज इनइलास्टिक इन नेचर, इट इज हार्ड एंड इनइलास्टिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कहां प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें तो इट इज समवट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। तो बाकी दो में हमने ज्यादा देखा था कि स्पेसिस थे जिनसे फाइबर्स प्रेजेंट थे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे उल्टा तो कोई पेरिकोंड्रियम हो जाएगा, न्यूक्लियेटेड सेल्स हो जाएंगी पेरिकोंड्रियम में, तो दिस इज पेरिकोंड्रियम। और पहले कोंड्रियम के बाद का जो एरिया है, जो मैट्रिक्स एरिया है, उसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, दिस इज मैट्रिक्स। और जो फाइबर्स है वो एक नेटवर्क सा बना देता है पूरे के पूरे मैट्रिक्स में, लाइक दिस, देयर फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इलास्टिक फाइबर्स। So these are elastic fibers. और ये बीच बीच में इसका मैट्रिक्स हो जाएगा,
अब क्योंकि कॉम्पैक्टनेस बढ़ गई है, लैक्यूना में तो एक कॉन्ड्रोसाइट बनाए होंगे लैक्यूना में, कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन लैक्यूना, दिस इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज. तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज हार्ड कार्टिलेज हो गया, जो नॉर्मली जो नॉर्मल फंक्शन था इलास्टिसिटी का वो सब नहीं करता. तो पहले जो वर्टिब्रे है शार्क उसमें मिलता है, शार्क वर्टिब्रे में मिलता है, इस माउंटेन शार्क वर्टिब्रे. इसके अलावा फ्रॉग में मिलता है, फ्रॉग में जो पेल्विक गिर्डल है सुपेक्टोरल गिर्डल है के सुपर कैपुला में एक पार्ट होता है, सुपर कैपुला, सुपर कैपुला ऑफ पेक्टोरल गिर्डल, सुपर कैपुला ऑफ पेक्टोरल गिर्डल इन फ्रॉग इट इज नॉर्मली फॉर्म. सो तीन टाइप के कार्टिलेजेस हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम what is it, we started with hyaline, then fibrous and then calcified cartilages. You know the location of the cartilage, you know the location of the cartilage and what function they usually perform. So bone and cartilage, skeletal connective tissue or somewhat about hard connective tissue, but dono mein gradual difference hai, bone hard hai, ye इतना हार्ड नहीं होता है एज कम्पेयर टू बोन, तो सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू को कहा जाता है, लेकिन जो कैल्सिफाइड है ये इट इज समवट हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट ग्रैनुल्स इन द मैट्रिक्स. सो बोन एंड कार्टिलेजेस वी डिस्कस्ड.